नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 1995 और गेस्ट हाउस कांड दोनों बेहद अहम हैं। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने न केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया बल्कि मायावती और मुलायम के बीच वो खाई बनाई जिसे लंबा अरसा भी नहीं भर सका। तो चलिए जानते हैं क्या है गेस्ट हाउस कांड जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को उथल पुथल कर दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन। 2 जून 1995 मीराबाई रोड का गेस्ट हाउस, जब लखनऊ में मायावती पर हुआ सबसे बड़ा हमला। कांड का जिक्र बार बार किया गया लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गेस्ट हाउस कांड क्या था, क्यों मायावती और मुलायम के बीच गेस्ट हाउस कांड के बाद ऐसी तल्खी दिखी? दरअसल साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और इसके अगले साल भाजपा का रास्ता रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया। सपा और बसपा ने 256 और 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। सपा अपने खाते में 109 सीटों पर जीती जबकि बसपा 67 सीटों पर ही जीत पाई। दोनों की रिश्तेदारी ज़्यादा दिन नहीं चली। साल 1995 की गर्मियां दोनों दलों के रिश्तों को खत्म करने का वक्त लेकर आई। इसमें मुख्य किरदार था गेस्ट हाउस। इस दिन जो घटा उसकी वजह से बसपा ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो अल्पमत में आ गई। 1995 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। 1 जून 1995 को यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया उस वक्त ब्यूरोक्रेट के तौर पर मुख्यमंत्री के ऑफिस में तैनात थे। पीएल पुनिया समाजवादी पार्टी की बैठक में बिना बुलाए चले आए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ एक पर्ची बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक पर्ची पढ़ते ही मुलायम सिंह यादव का रुख बदल गया और उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनावों के लिए तैयार रहें। पार्टी की बैठक वहीं खत्म हो गई। साल 1993 में यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाद में बताया कि पीएल पुनिया की पर्ची में लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार से अलग हो सकती है। दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था लेकिन गठबंधन की सरकार से अलग होने तक अब तक काशीराम ने कोई संकेत नहीं दिया था, इसलिए मुलायम सिंह यादव हैरान थे। यूपी में सपा बसपा की गठबंधन की सरकार के मैच 1.5 साल ही हुए थे। बीएसपी के गठबंधन सरकार से अलग होने की खबरों के बीच कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय थी कि सरकार बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने कोई असहमति नहीं दिखाई। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी विधायकों से मीटिंग कर रही थी। वो पार्टी के अगले कदम के बारे में विधायकों से राय मशवरा कर रही थी। जर्नलिस्ट शरद प्रधान ने बीबीसी को बताया कि इस फैसले के बाद मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई। सपा के लोगों को किस तरह से इस बात की जानकारी मिल गई और बसपा और भाजपा की साठगांठ हो गई है, वो सपा का दामन छोड़ने वाली हैं। प्रधान ने कहा कि जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में सपा के लोग गेस्ट हाउस के बाहर जुट गए। कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के भीतर के कमरे में जहां बैठक चल रही थी वहां मौजूद बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। तभी मायावती जल्दी से जाकर एक कमरे में छिप गईं और अंदर से कमरा बंद कर लिया। उनके साथ दो लोग और भी थे, इनमें एक सिकंदर रिजवी थे। वो जमाना पेजर का हुआ करता था और रिजवी ने प्रधान को बताया कि पेजर पर यह सूचना दी गई कि किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलना। दरवाज़ा पीटा जा रहा था और बसपा के कई लोगों की पिटाई की गई, इनमें से कुछ लहूलुहान हुए और कुछ भागने में कामयाब रहे। उसी दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्से कार्यकर्ताओं से बचाया। कहा जाता है कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वक्त पर नहीं पहुंचते तो समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता मायावती के साथ मारपीट भी कर सकते थे। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस पर धावा बोला था। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन तार काट दिए थे। उसी वक्त अखबारों में लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं की अगुवाई पार्टी के दर्जनभर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक कर रहे हैं। यूपी के राजधानी में सपा और कार्यकर्ताओं ने जमकर ऊधम मचाया और मायावती उनके चंगुल से किसी तरह से बच पाई थी। अजय बोस ने अपनी किताब बहनजी में लिखा है कि मायावती गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में बंद थी। बीएसपी के बाकी विधायकों को दूसरे कमरे में बंद किया गया था। 3 जून 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह को अपना बहुमत साबित करने का भी मौका नहीं दिया गया था। उसी शाम मायावती ने बीजेपी और जनता दल के बाहरी समर्थन से यूपी के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही पार्टियां सामाजिक न्याय की पक्षधर थीं। दोनों का गठबंधन स्वाभाविक था लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ ना जाने का संकल्प लिया। यहां तक कि सपा के साथ ना जाकर उसने विपरीत विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के साथ समर्थन से 2 बार सरकार बनाई। गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियाँ एक साथ आईं।
बहुजन समाज को इस गठबंधन का फायदा भी मिला। 2014 के चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं करने वाली बीएसपी ने 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये थी गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।